सदर बाजार की बिगड़ती बेहाल स्थिति को देखते हुए व्यापारी सड़कों पर उतर के प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलने का मन बना रहे हैं। फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन परमजीत सिंह वर्मा ने कड़े शब्दों में कहा कि प्रशासन किसी प्रकार का भी सदर बाजार के विकास की ओर ध्यान नहीं दे रहा है और बारिश की स्थिति में पानी सड़कों के साथ साथ दुकानों के अंदर घुस जाता है, जिसमें व्यापारी को काफ़ी नुकसान सहना पड़ता है। परमजीत सिंह पम्मा ने बताया कि दिल्ली सरकार में एमसीडी को लगातार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है। कई बार तो व्यापारियों को अपने पास से पैसे देकर प्राइवेट लोगों से कार्य करवाने पड़ते हैं। उन्होंने बताया कि तेलीवाड़ा, कुतुब रोड, गांधी मार्केट, प्रताप मार्केट, बाड़ी मार्केट, मटके वाली गली, स्वदेशी मार्केट, चोलिया वाली गली, मेन सदर बाजार आए दिन इस प्रकार की समस्याएं होती रहती हैं। इसलिए व्यापारियों को के पास अब एक रास्ता रह गया है कि वे सड़कों पर उतर आए और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करें। इसको लेकर परमजीत सिंह पम्मा दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली के मंत्री व स्थानीय विधायक के इमरान हुसैन, एनडीएमसी और पीडब्ल्यूडी के सहित अनेक अधिकारियों को ट्वीट करके भी इसकी जानकारी दी है। बरसात के दिनों में पानी से सदर बाजार मार्केट का हाल बुरा हो रहा है। चारों तरफ गंदगी ही गंदगी नज़र आ रही है। सदर बाजार की बिगड़ती इस हालत की स्थिति को देखते हुए व्यापारी सड़कों पर उतर के प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलने का मन बना रहे हैं। सदर बाजार के विकास की ओर ध्यान नहीं दे पा रही है सरकार। बारिश की स्थिति में पानी सड़कों के साथ साथ दुकानों के अंदर भी घुस जाता है, जिसमें व्यापारी को काफ़ी नुकसान सहना पड़ रहा है। परमजीत सिंह पम्मा ने बताया कि दिल्ली सरकार में एमसीडी को लगातार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती नज़र आ रही है। कई बार तो व्यापारियों को अपने पास से पैसे देकर भी प्राइवेट लोगों से काम कराना पड़ता है। उन्होंने बताया कि तेलीवाड़ा, कुतुब रोड, गांधी मार्केट, प्रताप मार्केट, बाड़ी मार्केट, मटके वाली गली, स्वदेशी मार्केट, चोलिया वाली गली, मेन सदर बाजार आए दिन इस प्रकार की समस्याएं होती रहती है। इसलिए व्यापारियों के पास अब एक ही रास्ता बच गया है, वे सड़कों पर उतर के प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करें। उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली के मंत्री व स्थानीय विधायक इमरान हुसैन, एनडीएमसी और पीडब्ल्यूडी सहित अनेक अधिकारियों को ट्वीट करके इसकी जानकारी दे चुके हैं। आप देख सकते हैं सदर बाजार की हालत, चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आ रही है, दुकानें सारी बंद हैं। इससे व्यापारियों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एमसीडी को लगातार शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही है। यह तेलीवाड़ा, कुतुब रोड, गांधी मार्केट, प्रताप मार्केट, सब जगह का यही हाल है। मटके वाली गली, स्वदेशी मार्केट, सभी जगह नालियों के पानी बाहर आ रहे हैं। आए दिन इस प्रकार की समस्याएं होती रहती हैं, इसलिए व्यापारियों के पास अब रास्ता ही नहीं बचा है। वे सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करें सरकार के खिलाफ। सदर बाजार की बिगड़ती बेहाल स्थिति को देखते हुए हमारे इस विषय पर परमजीत सिंह पम्मा से आइए बात करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं इस बारे में कि सदर बाजार की क्या हालत है, वो बताएंगे अभी आपको। मैं परमजीत सिंह पम्मा, वाइस चेयरमैन फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन। आज जिस प्रकार बारिश से सदर बाजार में बुरा हाल हो गया है, सड़कों पे दुकानों में पानी भर गया है, इसको लेकर हमारी सरकार से
गहर है कि सरकार इस ओर ध्यान दे, क्योंकि लगातार देखते जा रहे हैं कि सदर बाजार की स्थिति बहुत ही बेहाल होती जा रही है और कोई भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। यहां तक के आप देखिए तेलीवाड़ा चौक पे जरा सा चौक पार करने के लिए ही मतलब कि मुंह मांगे पैसे रिक्शा वाले ले लेते हैं, 50-50, 100-100 रुपए ले लेते हैं। और यहाँ कुतुब रोड चौक हो या तेलीवाड़ा हो या अब मेन सदर बाजार हो, और यहां तक के जो गांधी मार्केट, मटके वाली गली, तोलिया मार्केट, प्रताप मार्केट, बारी मार्केट हो, सारी मार्केटों में पानी भरा पड़ा है और सरकार कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। सरकार को हम लगातार निवेदन करते आ रहे हैं। आज मैंने दिल्ली के गवर्नर से और मुख्यमंत्री से और मेयर से भी निवेदन किया है कि सदर बाजार की स्थिति की ओर ध्यान दे। सदर बाजार लगातार, चाहे बिजली की तारें हो, सड़कें टूटी हो या पानी भराव हो, ये लगातार समस्या बढ़ती जा रही है और कोई भी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा, जबकि सबसे ज्यादा टैक्स सदर बाजार से व्यापारियों की ओर से जाता है। इस समय हालत यह है, भारत का व्यापारी कोरोना के कारण नहीं आ रहा और लोकल व्यापारी भी इस स्थिति में, यहाँ पर नहीं आने की स्थिति में, तो हम व्यापार कैसे करें? क्या हम अपनी दुकान की चाबियां प्रशासन को सौंप दें कि हमारे से व्यापार नहीं होता, हम व्यापार नहीं कर पाएंगे? हम आगे ये कहना चाहेंगे, हमने कोरोना के कारण 1.5-2 महीना बंद रखी मार्केट, अगर हमें इस कारण अगर 10 दिन और मार्केट बंद करनी पड़े, हम सड़कों पे उतरेंगे और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। ये लगातार ऐसी स्थिति बनती जा रही है और व्यापारी परेशान होता जा रहा है, व्यापारी की कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, जबकि हमने मुख्यमंत्री और मेयर से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार इस ओर ध्यान दे, क्योंकि हमारी जो सदर बाजार है वो व्यापारियों का बाजार है और व्यापार ही नहीं होगा तो उसका क्या फायदा। मेरा आप सब व्यापारियों से निवेदन है कि आप लोग ये तैयार रहिए कि हमें किसी टाइम भी मार्केट बंद करके सड़कों पर उतरना पड़े सदर बाजार की स्थिति को लेकर, हम तैयार रहे। जय हिंद, जय भारत।